क्या आपको पता है कि भूतकाल में एक समय ऐसा भी था जब हमारा चांद, हमारा चंद्रमा हमसे बहुत ही करीब था। जब सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ और जब चांद और पृथ्वी बने, तब हमारा चांद हमारी पृथ्वी से आज से करीब 17 गुना ज्यादा नजदीक था। आज हमारा चंद्रमा हमसे करीब 3 लाख किलोमीटर दूर है, लेकिन उस वक्त चंद्रमा पृथ्वी से महज 23,000 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित था। और चांद की ये नजदीकी पृथ्वी की ग्रेविटेशनल स्पीड को भी इन्फ्लुएंस करती थी, जिस वजह से उस वक्त पृथ्वी का एक दिन करीब सिर्फ 4 घंटे का हुआ करता था और पृथ्वी से आसमान का नजारा काफी खूबसूरत हुआ करता था। सोचिए दोस्तों, उस वक्त पृथ्वी पे अगर कोई खड़ा हो तो उसे आसमान में चांद कैसा दिखाई देता होगा। लेकिन इससे भी एक कदम आगे जाए और ये सोचिए कि आज जहां हमारा चांद उपस्थित है, यानी कि करीब 3 लाख किलोमीटर की दूरी पर, उस जगह पर अगर चांद के अलावा कोई और प्लेनेट, हमारे सूर्यमंडल के अन्य ग्रह मौजूद हो, तो हमारी पृथ्वी से हमें कैसा नजारा, कैसा आसमान दिखाई देगा और क्या कीमत चुकानी होगी पृथ्वी को इस खूबसूरत नजारे के लिए, ये जानने के लिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए दोस्तों, क्योंकि आज का हमारा ये सफर बहुत ही मजेदार और बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई, आप है हेल्दी और साइंटिफिक ज्ञान से भरे एक चैनल द नॉलेज पर। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही साइंटिफिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजा दें। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे सौरमंडल के सबसे पहले प्लैनेट यानी कि प्लैनेट मर्क्यूरी से। बुध ग्रह पृथ्वी से करीब 98 मिलियन किलोमीटर दूर है और अगर मर्क्यूरी हमारी पृथ्वी से महज 3 लाख किलोमीटर दूर यानी कि चांद की जगह पर स्थित होता तो आसमान से नजारा कुछ ऐसा दिखाई देता। मर्क्यूरी हमारे चांद से करीब 1.5 गुना बड़ा है, इसलिए हमारे समुद्र की लहरें उसकी ग्रेविटी के कारण और ज्यादा तेजी से उछलती होती। और मुंबई जैसे शहर जो दरिया से सटे हुए है, वो तो इस परिस्थिति में एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे। रात के आसमान में मर्क्यूरी चांद से ज्यादा रोशनी फैलाता। हालांकि साइज में आसमान में बुध हमारे चांद जैसा ही, लेकिन बहुत ही थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता। और मर्क्यूरी अगर पृथ्वी का चंद्रमा बन जाता तो पृथ्वी को इससे कोई भी बड़ा नुकसान नहीं होता। इनफैक्ट सच बात कहे तो सभी ग्रहों में यही एक ऐसा ग्रह है जो चांद की जगह ले सकता है, क्योंकि इससे पृथ्वी को या मानव सभ्यता को कोई खास नुकसान नहीं है। लेकिन खेल तब बिगड़ जाएगा जब मर्क्यूरी के बाद बारी आएगी विनस की। दोस्तों, सूर्यमंडल का नंबर 2 का ग्रह विनस अगर चांद की जगह होता तो पृथ्वी से नजारा कुछ ऐसा दिखाई देता और हमारे समुद्रों में तरंगे बहुत ज्यादा ऊंची होती, कुछ मंजिला इमारत जितनी। रात के समय हमारा आसमान काफी ज्यादा रोशन होता और लाल प्रकाश छोड़ता और इस रोशनी से असंख्य खूबसूरत तारों का नजारा छिप जाता, क्योंकि विनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। आज ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट हमारा विनस हमारे आसमान से कुछ ऐसा दिखाई देता है जो एक चमकीले तारे की तरह है, लेकिन चांद के स्थान पर वो ठीक ऐसा दिखाई देता। शुक्र ग्रह साइज में करीब करीब हमारी पृथ्वी जितना ही बड़ा है और ऐसे में पृथ्वी और शुक्र एक कॉमन सेंटर के चारों तरफ घूमते और एक बाइनरी प्लेनेटरी सिस्टम का निर्माण करते। एक समय ऐसा भी आता जब ये दोनों ग्रह एक दूसरे की ग्रेविटी के चलते एक दूसरे से और अट्रैक्ट होकर एक दूसरे से टकरा जाते। दोस्तों, प्लेनेट शुक्र के इस नजारे से अगर आप मंत्रमुग्ध हुए हैं तो आगे आगे तो इससे भी और ज्यादा इंटरेस्टिंग और खतरनाक नजारे आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चले दोस्तों, अब हम शुक्र से आगे बढ़ते हैं और आते हैं सोलर सिस्टम के पृथ्वी के बाद सूरज से 4th नंबर के प्लेनेट मार्स पर। चांद की जगह मंगल के आ जाने से हमारे आसमान का नजारा कुछ ऐसा दिखाई देता। ये नजारा कितना खूबसूरत दिखाई देता है ना, पृथ्वी के आसमान से चांद के डिस्टेंस पर मंगल कैसा प्रतीत होता है। लेकिन अगर मंगल चांद की जगह पर होता तो यही मंगल अमंगल हो जाता। मंगल के कारण भी पृथ्वी पर बहुत बड़ी लहरों का निर्माण होता और शुक्र की तरह मंगल और पृथ्वी भी बाइनरी तरीके से एक दूसरे के साथ रोटेट करके एक दूसरे से टकरा कर विलीन हो जाते। अब दोस्तों, मंगल के बाद हमारी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अब पृथ्वी अपने ग्रह होने का खिताब खो चुकी है, क्योंकि 3 लाख किलोमीटर दूर चंद्रमा की जगह अब
सूर्यमंडल के सबसे बड़े प्लैनेट प्लैनेट जुपिटर ने ले ली है। पृथ्वी की किसी भी जगह से अगर 3,00,000 किलोमीटर दूर गुरु दिखता तो हमारा रात्रि का, दिन का या कभी कभी पूरा आसमान ढक जाता। बस आसमान में हमें गुरु ग्रह ही नजर आता और उसके साथ पृथ्वी का अंत भी बहुत नजदीक होता। लेकिन पृथ्वी के अंत से पहले हमें आसमान का कुछ ऐसा मनमोहक नजारा दिखाई देता और इसके बाद बृहस्पति का अपार ग्रेविटेशनल पुल पृथ्वी की परतों को तोड़ तोड़ कर अपने ओर खींच लेता। सबसे पहले तो आसमान को छूने वाली बड़ी बड़ी इमारतें ही टूट टूट कर प्लेनेट जुपिटर का निवाला बन जाएगी और उसके बाद पृथ्वी का बहुत बड़ी तबाही के साथ, धमाकों के साथ जुपिटर में विलय हो जाएगा। सिर्फ एक दिन में जुपिटर अर्थ को निगल जाएगा। लेकिन दोस्तों, हम थोड़े से लकी होते अगर यहाँ पर प्लेनेट जुपिटर की जगह प्लेनेट सैटर्न होता। अब आप ये सोचोगे कि प्लेनेट सैटर्न भी तो बहुत बड़ा है, क्या वो हमारी पृथ्वी को खींच नहीं लेता? तो दोस्तों, सच बात तो ये है कि प्लेनेट सैटर्न भी पृथ्वी को मौत के मुख में ही ले जाएगा, लेकिन थोड़ा रहम करते हुए। क्योंकि प्लेनेट सैटर्न का गुरुत्व बल जुपिटर से थोड़ा कम होने की वजह से पृथ्वी उसका निवाला तो बनेगी, पर थोड़ी देरी से। अगर 3,00,000 किलोमीटर दूर प्लेनेट सैटर्न आ जाए तो वो आसमान में कुछ ऐसा दिखाई देगा और इस नजारे को हम कुछ थोड़ी और देर तक निहार पाएंगे। ये नजारा भी दिल को छूने वाला है। लेकिन दोस्तों, गुरु ग्रह के ये छल्ले, उसके रिंग और उसके एस्टेरॉइड धड़ाम से पृथ्वी पर एक एक करके गिरने लगेंगे। धीरे धीरे सैटर्न भी पृथ्वी को परत दर परत उखाड़ेगा, ज्वालामुखी करा उठेगे, पृथ्वी की परतें खुलेगी और आखिरकार हमारी पृथ्वी को सैटर्न के सामने समर्पण करना ही पड़ेगा और प्लेनेट अर्थ प्लेनेट सैटर्न से टकरा कर उसी का एक भाग बन जाएगी। हमारा लक थोड़ा और ज्यादा अच्छा होता अगर हमारे आसमान में सैटर्न की जगह प्लेनेट यूरेनस और नेपच्यून होते। ये गैसो जायंट भी बहुत बड़े है। ये ग्रह पृथ्वी के आसमान से कुछ ऐसे दिखाई देते और यहाँ पर भी एक समय के बाद पृथ्वी को सरेंडर तो करना ही पड़ता, लेकिन काफी सालों तक हम इनका ये नजारा देख पाते। अब और आगे बढ़े तो पृथ्वी की सतह से मून की जगह पर सूर्यमंडल का भूतपूर्व 9वां ग्रह, जो आज एक ड्वार्फ प्लेनेट है, वो प्लूटो अगर होता तो आसमान का नजारा कुछ ऐसा दिखाई देता और यहाँ पर हमारी पृथ्वी को ग्रह होने का सम्मान फिर से मिल जाता। अगर चांद की जगह प्लूटो हमारा मून होता तो आसमान से पूर्णिमा के दौरान भी रोशनी कम दिखाई देती, क्योंकि प्लूटो बहुत ही कम सूर्य की किरणें रिफ्लेक्ट करता और ऐसे में आसमान में जो दूर के तारे हैं वो भी रात के अंधेरे में बहुत साफ साफ नजर आते। आसमान आज जो हमें दिखता है उससे और ज्यादा तारों से उभर जाता। प्लूटो हमारे चांद से छोटा होने की वजह से पृथ्वी पर बहुत बड़ी समुद्री लहरें भी नहीं उठती। प्रशांत महासागर की तरह पृथ्वी के सभी समुद्र लगभग शांत होते, लेकिन टाइड साइकिल के खड़बड़ा जाने से हमारा इकोसिस्टम नष्ट हो जाता और खतरा तो हमें यहाँ पर भी थोड़ा बहुत उठाना पड़ता। और इसलिए दोस्तों, कुदरत जो भी करती है वो सब कुछ मैथमेटिकल होता है और सही होता है, और इसीलिए एक मून के तौर पर हमारे चंदा मामा ही ठीक है, जो करोड़ों सालों से पृथ्वी के साथ गठबंधन बनाए हुए है। कुदरत ने हमें जो कुछ भी दिया है वो ही सही है। हमारी प्रकृति की इस सुव्यवस्था के लिए उसे एक थैंक्स तो बनता है। तो दोस्तों, आप कमेंट में हमारी कुदरत को थैंक्स जरूर कहिएगा और अगर आप हमारे व्लॉगिंग चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाके हमारे द गोसाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आगे मिलूंगा ऐसे ही एक हेल्दी और साइंटिफिक नॉलेज के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।